हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग वंस अगेन। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं पाइथन सीरीज। और आज हम बात करेंगे वेब स्क्रैपिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे वेब स्क्रैपिंग होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। वेब स्क्रैपिंग जस्ट लाइक आपने अगर देखा हो ट्रिवागो साइट, तो ट्रिवागो साइट में होता क्या है कि वो 10 साइट्स का डेटा उठा के अपने डेटाबेस में स्टोर करती और उस डेटा को क्या करती, कंपेयर करती। मतलब ट्रिवागो एक होटल साइट है जिसमें क्या करती वो 10 साइट, मतलब मल्टीपल जो साइट्स होती है, या 10 या 12 जितनी भी हो सकते हैं, तो वो क्या करती है 10 या 12 साइट्स से डेटा उठाती है होटलों का और वो कंपेयर करके आपको बताती कि ये आपको होटल सस्ता पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियों की भी साइट्स होती है जिसमें वो मल्टीपल साइट्स से इंश्योरेंस का कंपेयर करते हैं कि इस साइट्स पे आपको इंश्योरेंस कम मिलेगा, मतलब इंश्योरेंस कम रेट में हो जाएगा। तो वेब स्क्रैपिंग में होता क्या है कि मल्टीपल साइट से डेटा उठा के उन्हें अपने डेटा स्टोर या डेटाबेस में स्टोर करना और उन्हें कंपेयर करना। तो ये होता है हमारा काम, होता है वेब स्क्रैपिंग का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको वेब स्क्रैपिंग के लिए कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में यूज़ करना पड़ेगा, और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आपको टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर चूँकि अपना मैक यूज़ कर रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन करूँगा और यहाँ पर आपको कुछ कमांड फायर करनी है, जस्ट लाइक pip3 इंस्टॉल और क्या करना है रिक्वेस्ट। और आपको इंटर मार देना, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे। मुझे कम टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रखी। देन आपको अगेन एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करना है। अब किसी के जो सिस्टम में pip3 से भी हो सकता है, किसी के इसमें pip भी चल सकती है, तो मेरे इसमें pip नहीं चलती, मैं इसीलिए pip3 का यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके इसमें pip3 ना चल रही तो एक बार pip डाल के भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ हमें दूसरी डालनी है इंस्टॉल HTML 5 लाइब्रेरी HTML। मैं इसको थोड़ा सा, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। ओके, ये थोड़ा सा और बड़ा हो रहा है, यहाँ से बिगर। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब आपको हो सकता है दिख रहा हो। ओके, ये आपको अब और बढ़िया तरीके से दिख रहा होगा। हम एक बार और इसको ले लेते हैं। मैं क्या करता हूँ इसको, सॉरी, मैं इसको बड़ा और कर देता हूँ डायरेक्टली कमांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक पहली कमांड की थी pip install request, देन यहाँ पर हमने दूसरी कमांड फायर की pip3 install HTML5 लाइब्रेरी और मैं इंटर करूँगा तो ये मुझे HTML5 लाइब्रेरी इंस्टॉल करके दे देगा। देन एक और आपको करनी है pip3 install BS4। ये आप देख सकते हैं इसने मुझे लाइब्रेरी इंस्टॉल करके दे दी। अब हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में आएंगे और यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर इसको सेव करेंगे हम, और चूंकि ये मेरा 68 प्रोग्राम है वेब स्क्रैपिंग,
अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट किसको, रिक्वेस्ट को, यहाँ पर रिक्वेस्ट हमने इम्पोर्ट किया, रिक्वेस्ट देन हम क्या करेंगे, हम यूआरएल लेंगे, यूआरएल तो यहाँ पर आपको वो यूआरएल डालना है जिससे आप डेटा स्क्रैपिंग करना चाहते हैं। आप कोई सा भी यूआरएल ले सकते हैं, मैं यहाँ पर कोई सा भी एक यूआरएल, मैं यहाँ पर एक ऑलरेडी मैंने यूआरएल सेट कर किया हुआ है, तो मैं पहले सबसे पहले आपको उसको दिखा देता हूँ इस यूआरएल में क्या है। तो ये आप अगर ओपन करेंगे तो इस यूआरएल में ये साइट है और इस साइट से मैं डेटा स्क्रैपिंग करना चाहता हूँ। तो अगर मैं डालता हूँ ये साइट तो ये मेरी साइट ओपन होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ पर यूआरएल लेता हूँ, तो यहाँ पर हम इस साइट को यूआरएल ले लिया। अब हम क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है आर, मैं यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे आर, आर इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम देंगे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर हम अपना पास करेंगे यूआरएल, यूआरएल देन यह क्या करेंगे प्रिंट, मीन्स यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा प्रिंट करवाएंगे कि इस यूआरएल पर हमारा कौन कौन सा डेटा है। तो यहाँ पर हम देंगे आर डॉट, हमारे एक होता है कंटेंट, मीन्स इसका कंटेंट क्या क्या है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको रन करके देखेंगे, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लेगा। ये देखिए आप, इसने 2001 लाइंस दी है इसमें, और मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ ओके, तो ये आप देख सकते हैं उसने मुझे जो भी मेरी साइट का जो डेटा था इसने मुझे उठा के प्रिंट करवा दिया। अब चूंकि ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है तो ये थोड़ा हो सकता है आपका सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट करने लगे, बट यह इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को गेट कर सकते हैं। मीन्स ये अभी हमने क्या किया, डेटा गेट किया है साइट्स का। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे डेटा को सेपरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ, तो आज के लिए